बेटे को इतना घमंड था कि इस इलाके के अंदर हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। मिश्रा ने 25 तारीख को खुद स्वयं कहा था केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कि मैं मंत्री एमपी एमएलए बाद में हूँ, उससे पहले मैं मेरा पिछले का इतिहास उठा करके देख लीजिए। ये कलश यात्रा भी बताएंगे आपको कि ये कलश यात्रा सुप्त मोर्चा के आह्वान से 12 तारीख को लखीमपुर उत्तर प्रदेश के अंदर ये निकली है। वहाँ से सैकड़ों कलश यात्रा देश के अंदर निकली है। 75 जिले उत्तर प्रदेश के हैं, हर जिले के अंदर एक कलश यात्रा निकाली गई है और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी 3-4 तरह इस तरह की कलश यात्राएं चली हुई हैं। ये जो कलश यात्रा आज यहाँ पहुँची है, ये 12 तारीख को लखीमपुरी उत्तर प्रदेश से लेकर के सरसा के अंदर हमारा डब्बावाड़िया क्षेत्र से गंगा गांव से चली है। वहाँ से 16 तारीख से 17 तारीख फतेहाबाद को, 18 जींद के अंदर, 19 को हिसार, इसी तरह से भिवानी दादरी होते हुए रोहतक, और आज ये हमारा डिगल टोल प्लाजा के ऊपर इसका रात्रि का जो प्रोग्राम है, रात्रि ठहराओ इसका डिगल टोल प्लाजा के ऊपर है। कल सुबह 10 बजे डीगल से हमारा यहाँ किसानों का, पूरे इलाके के किसानों का, इस हमारी अस्थि कलश यात्रा को वो श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद यहाँ हम ढांसा बॉर्डर जो हमारा पूर्ण रूप से इन देहाती एरिए के इलाके के लोग, खापों के चौधरी, सभी खापों के, भिन्न भिन्न खापों के द्वारा ये हमारा ढांसा बॉर्डर के ऊपर जो धरना सरकार को टक्कर देने के लिए, केंद्र की सरकार को, ढांसा और दिल्ली का जो बॉर्डर लगता है वहाँ पर 11 बजे के लगभग हमारी ये यात्रा वहाँ पहुँचेगी। उसके बाद जज्जर के अंदर शहर से होती हुई कई जगह शहर के अंदर प्रोग्राम है, उसके बाद रेवाड़ी और फिर गुड़गांव के अंदर भी हमारे ये कलश यात्रा कल जाएगी। कलश यात्रा से पूरे हरियाणा प्रदेश के हम 16 तारीख से निकले हुए हैं। हर गांव में, हर गली में, हर कोंचे में, शहर के नुक्कड़ के ऊपर, जो हमारे इस किसानी आंदोलन के अंदर जो रिक्शा चालक, रेहड़ी वाला, फड़ी वाला, कर्मचारी, मजदूर, माता बहन, प्यारे बच्चे, नौजवान, युवा साथी, कॉलेज के विद्यार्थी, हर तरह से हमारे इस किसानी संघर्ष के चारों तरफ से बहुत इसका स्वागत किया जा रहा है। इसको पुण्य पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। जो शहरों के अंदर से हम गुजरते हैं, वो मेरी माता बहनें जो 3-4 मंजिल ऊपर रहती हैं, वो वहाँ से भी पुष्प अर्पित कर रही हैं, उनको नमन कर रही हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर गांव, हर गली के अंदर हमारे इस अस्थि कलश यात्रा से एक ही हमारे किसानी आंदोलन को बहुत बड़ी ऊर्जा मिली है। इससे हमारे किसानी आंदोलन को बहुत बड़ा बल मिला है और आने वाली 24 तारीख को टिकरी बॉर्डर के ऊपर हमारे इस अस्थि कलश यात्रा का विधिवत तरीके से, जो हिंदी रीति रिवाज के तहत आता है, उसका समापन किया जाएगा। और मैं आप मीडिया के सभी दर्शकों से आह्वान करना चाहूँगा, पूरे हरियाणा प्रदेश के जहाँ तक भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं जो साथी, क्योंकि आने वाली 24 तारीख को बड़ी भारी संख्या के अंदर नौजवान, युवा साथी, मातृ शक्ति, सभी किसान, मजदूर वर्ग, हर वर्ग का साथी टिकरी बॉर्डर पहुँचे और इनकी अंतिम कलश यात्रा को जो पुष्पांजलि अर्पित करे। इसके बाद हमारा 26 तारीख को जो प्रोग्राम है, वो पूरे देश के अंदर हमारी 26 तारीख को इस किसानी आंदोलन को, संघर्ष को 11 महीने पूरे होने जा रहे हैं। 26 तारीख को भी एक बहुत बड़ा पूरे देश का किसान सभी दिल्ली के बॉर्डरों पर बड़ी भारी संख्या में पहुँचेगा। यही हमारा इस अस्थि कलश यात्रा का उद्देश्य था।